Good morning, children. Hope you are doing great today. I am discussing your worksheet number 39. This is your reading campaign English work, and today's theme is Let's Play. So, before starting this worksheet, you have to write down your class with the section A, B, C, D, your name, and your teacher's name, and then you have to start this worksheet. So, let's start your worksheet. Do you like going to the garden? क्या आपको पार्क या गार्डन बगीचे में जाना अच्छा लगता है लेट अस रीड अलाउड द स्टोरी गिवन बिलो चलिए नीचे दी गई कहानी को तेज तेज पढ़ते हैं इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल इवनिंग कलरफुल बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर ब्लूमिंग इट वॉज स्प्रिंग टाइम कार्तिक वेन टू द गार्डन फॉर अ वॉक इट वॉज अ ब्यूटीफुल इवनिंग ये बहुत सुहानी शाम है रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं ये वसंत का मौसम है कार्तिक जो है वो गार्डन में घूमने यानी कि बगीचे में घूमने गया हुआ है इन द गार्डन देयर वॉज अ बॉय इन अ ब्लू शर्ट गार्डन में बगीचे में एक लड़का है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है द बॉय वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स एंड वॉज ट्राइंग टू कैच द बटरफ्लाइज टू जो लड़का है वो फूलों को तोड़ रहा है और तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कार्तिक वेंट अप टू हिम एंड पोलाइटली रिक्वेस्टेड हिम जो कार्तिक था वो बहुत आराम से उसके पास गया और बहुत सौम्य तरीके से सभ्य तरीके से उससे कहा प्लीज़ प्लीज डियर डियर फ्रेंड डू नॉट हर्ट दी बटरफ्लाइज और प्लस द फ्लार्स प्रिय मित्र कृपया uh, बटरफ्लाई यानी तितलियों को परेशान ना करो और ना ही फूलों को तोड़ो लेटस्ट प्ले टुगेदर हम दोनों साथ में खेलते हैं द टू बॉयज बिकेम फ्रेंड वो दो जो दो लड़के थे वो दोनों दोस्त बन गए तो हमें भी जब हम पार्क में गार्डन में कहीं पर भी जाते हैं तो हमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स वगैरह को खराब नहीं करना चाहिए और जो बटरफ्लाइज वगैरह या कोई अदर एनिमल वहाँ होता है तो उसे हमें तंग नहीं करना चाहिए नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर डिड कार्तिक गो फॉर अ वॉक जो आंसर देने हैं हमें कार्तिक कहाँ पर वॉक के लिए गया था रोड गार्डन और पार्क तो कहाँ गया था गार्डन नेक्स्ट है वट आर दिंक यू कैन सी इन द गार्डन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने बगीचे में या जब आप बगीचे में जाते हैं तब देखते हैं राइट और ड्रॉ अ फ्यू ऑफ थिंग्स वी कैन सी इन द गार्डन उनमें से कुछ चीजों को जो आप गार्डन में देखते हैं उनको या तो लिखो या फिर ड्रॉ करो तो हम क्या क्या देख सकते हैं हम बटरफ्लाइज देखते हैं फ्लावर्स देखते हैं स्मॉल इंसेक्ट देखते हैं ठीक है ट्रीज देखते हैं ग्रास देखते हैं तो और भी आ, स्विंग्स होते हैं झूले होते हैं ना तो इनमें से इस तरीके की और भी अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद